ये देखो भाई जगह जगह जल देख लो कितना भरा हुआ, ऊपर तक ही भर रहा देख लो। ये ज्वार है सारी ऊपर तक डटी पड़ी है, इस खेत का भी सारे समझ जा रहा है क्योंकि झील है ना। तो दोस्तों पुताई का काम चालू हो गया है, अंदर का कमरा तो कर दिया सारा, अभी बरामदे में लग रहे हैं, सारे पे पुट्टी खिंचवा रहा हूँ। बारिश की वजह से सिलन आ रही है जगह जगह, देखो यारी पता नहीं पुतने के बाद ये हट जाएगी या ऐसी रहेगा, तो अभी देखते हैं, अभी तो चल रहा है काम। क्यों नहीं कह रहा तेजाब दे रोगे फिर बाद में दिक्कत आ जाएगी। तो इसमारा कलरफुल ना है, वाइट लाया हमारी वाइट ही ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कैसे हो दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका अपना दोस्त कुणाल चौधरी। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं खेत में, सुबह के 7 बज रहे हैं, वही अपना डेली का रूटीन, गाय भैंसों का चारा लेने चल रहे हैं। तो रात बारिश पड़ी है भाई पूरी तेज, लगभग पूरी रात ही पड़ी है। समित पूरी रात ही पड़ी है, पूरी रात पड़ी है भाई, पूरी रात पड़ी है भैया। तो ये देखो आपको दिखाता हूँ कितना जल भर रहा है जगह जगह। ये देखो भाई जगह जगह जल देख लो कितना भरा हुआ, ऊपर तक ही भर रहा देख लो। ये ज्वार है सारी ऊपर तक डटी पड़ी है, इस खेत का भी सारे समझ जा रहा है क्योंकि झील है ना, तो लगभग गड्ढो गड्ढो पानी भर रहा देख लो सारे में, इतनी बारिश पड़ी है रात में, चारों तरफ ही पानी पानी हो रहा देख लो। दोस्तों आपको दिख रही होंगे पीछे ही पूरी गिरी पड़ी है, देख लो रात भर के पानी में खेतों में जल डटा पड़ा है, तो बुरी हालत हो गई है। तो अब अपना चल रहे हैं हम भी, देखो ज्वार में पानी भर रहा होगा, ऐसे में काटनी पड़ेगी पानी भरे में। देखो सामने से भाई बारिश आ रही है, देखो हो रही, मौसम पूरा ख़राब है, देखो आपको दिख रहा होगा सफ़ेद सफ़ेद ये बारिश ही पड़ रही है सामने। अब देखो हमारी कैसे गिरी पड़ी है रास्ते में, ये हमारी ईख ही है, जल डट रहा होगा पूरा इसमें, सारी ज्वार पे मैड़ा लग चुका है सारी पे, अब यही काटनी है भाई गिरी हुई सारी। यहीं कर ले अंदर, यहीं कर ले, यहीं बांट ले अंदर, हाँ और क्या, सीधी कर ले यहीं। ये देख लो भाई कितना नुकसान हमारा, भारी नुकसान हो गया है इसमें, चार गड़े करने हैं। ले तो भाई ज्वार तो कट गई, देखो सारे में खाचा खाचा हो रही थी भाई सारे में, पर काटिए कैसे ना कैसे करके, देखो पैर ऊपर तक खाचा में हो गया हमारे। अब चल रहे हैं, बुग्गी जोड़ लिए, सारे गड़े रख लिए, अब टिम टिम होने लगी है बारिश की ज्वार कटने के बाद। ये भी चलो सुकून है कि ज्वार कटने के बाद हुई है। वो बाजरा कटर सुमित आ जा, बूंद पड़ने लगी देख, न्यार ले लिया है, अब चल रहे हैं सीधा घर। सुमित थक रहा हमारा बुग्गी, मौसम देखो कभी धूप से निकल जाए कभी भाई बारिश टिम टिम हो रही है, कुछ नहीं पता, बाकी वैसे हो रहा है पूरा मौसम सुहाना। तो दोनों भाई चल रहे हैं अब जाके और काम भी देखने हैं, ये तो हो ही गया अपना, अब घर का देखना है, पुतैया आएंगे उन्हें भी देखना है। ये आगे घेर में न्यार उठाया रखा और काट दिया, दोस्तों देखो न्यार तो काट दिया, और देखो गाय वैसे भी बाहर बांध दी, नीलानी है ही नहीं आज, मौसम एकदम बढ़िया हो रहा है। तो अब चल रहे हैं घर पर, पुतैया भी आए हैं और वैसे मिस्त्री भी, टैल वाले भी। ये देखो दोस्तों कोने में सिलन आ रही है, सारे हिस्से में आ गई इस कोने कोने में, क्योंकि ऊपर का जो पाइप आ रहा है वो यहीं पे उतर रहा है कोने में, अब शायद उसका कोई सा जोड़ लीक हो गया। अभी देख लो नया बनाया, नई में ये हो गया, पहली बारिश हुई है, पहली बारिश में ही होगी सिलन। अब चल रहे हैं ऊपर, ऊपर से दिखाता हूँ आपको, टैल वाले भैया लग रहे हैं वही देख रहे हैं, अगर उनकी समझ में आता है तो ना, तो भाई प्लम्बर बुलाना पड़ेगा। अब यहाँ पर टैल भी तो लगवा दी, अभी टैल कटवानी पड़ी है कोने की, शायद कोई सा जोड़ हट गया इसका, इसका जोड़ हट गया ये, अब ये जोड़ मिलाने के लिए या तो ये दीवार उधेड़नी पड़ेगी, ऐसे तो मिलेगा नहीं क्योंकि बिल्कुल सारे मिले हुए हैं यहाँ पे, 3-4 जोड़ है, अब देखते हैं क्या होता है। जब तो सरक जाएगा भाई, ऊपर से दीवार कट है, यहाँ तक दीवार कट है ना, यहाँ तक भी ना थोड़े से, क्योंकि वैसे वाला है फ्लेक्सिबल वाला पाइप, फ्लेक्सिबल वाला है ये ले आया भाई टी, अभी से लगाते हैं, वही तो ये तिरछा होगा ना, इस पर भी जॉइंट लगेगा, यहाँ तक जोड़ लगेगा। लो तो दोस्तों करीब 3 घंटे की मेहनत सफल हो गई है, अब जाके जोड़ जुड़े हैं, पापा ने और मिस्त्री ने दोनों ने जोड़ ही दिए, 3 घंटे लगे हैं उन्हें, 3 घंटे से इसमें ही कर रहे हैं, कभी ये ला कभी वो ला। अब इसमें फटाफट से मसाला भर देते हैं, टैल वाले मिस्त्री तो बस टैल ही लगाएंगे, इसमें मसाला भरने का काम तो हमारा है। तो जल्दी से मसाला बना लिया और फाइनली ये भर दिया, तो ये वाला काम तो पूरा हो गया। अब आपको दिखाता हूँ पुताई का काम, कमरा देखो कमरे में हो गया भाई फाइनली पुताई, पुताई का पट्टी भरवाई अभी फिलहाल, और देखो सिलन आने लगी अभी से, मतलब अभी बन के तैयार हुआ है और अभी से भाई ख़राब होने लगा, देखो ये सिलन आ रही है क्योंकि ये 4 इंची की दीवार है, और इसमें उधर से पेंट, मतलब पेंट में वो क्या होता है जिससे सिलन नहीं आती,
वो लगवाऊंगा, मेरे को तो नहीं पता, जिस भाई को बताओ भाई कमेंट करके बताओ क्या क्या नाम होता है इसका। तो इसमें तो सारे में हमने पुट्टी भरवा दी है फिलहाल, अभी एक कोट हुआ है, दो कोट होंगे उसके बाद प्राइमर और फिर पेंट। तो अभी यहाँ तो ऐसे ही हो रहा है सारा गंदा, देखो यहाँ टेल वेल का काम तो पूरा फाइनल हो ही गया था, आपको पहले भी दिखाया, अब आपको बाहर से दिखाता हूँ। देखो अभी फ़िलहाल दोस्तों बरामदे में ही काम चल रहा है, अंदर का तो हो गया एक कोट, अभी यहाँ और कर रहे हैं एक के कोट, पहले सारे में एक कोट होगा उसके बाद डबल कोट होगा। तो जब सारे पे पुट्टी खिंच जाएगी बहुत लाजवाब लगेगा दोस्तों, लग तो अब भी रहा है पर जब और लाजवाब लगेगा, अभी तो एक एक कोट ही हुआ है, बारिश भी तो रुकने का नाम नहीं ले रही। सामने देखो एक ही कोट हुआ है और एक कोट में ही सिलन आ गई सारे में। अभी दोस्तों एक बार इनसे सामान लिखवा लूँ, सामान भी लाना है, अभी सामान कम ही है, दो ही कट्टे लाया था कल मैं, आज संडे है तो आज लेके आऊँगा तीन चार कट्टे। गार्डरों का पेंट और पाँच छः हज़ार का सामान बता दिया। अब चल रहे हैं दोस्तों नीचे, अब आपको टेल वाले मिस्त्री दिखाता हूँ, फिर चलेंगे सामान लेने। ये देखो ये बैठे हमारे मिस्त्री, मैच देख रहे हैं भैया, काम छोड़ दें, ये हमारे मिस्त्री हैं, मैच देख रहे हैं। तो इस पे कर दो नील, तुम हल्का सा अब पुताई ना करवाओगे, इससे करवा ले, पुताई ना करवा मैं, ठीक लग रहा है पहले, इसे करवा दो भाई, इसे करवाओ जल्दी, सिलेंडर में लाए हमारा, ये लेकर ये कब लगाओगे, ये जो ये रह रही है ये लगाओ, ये एक पट्टी लगेगी बस, यहाँ खा ले, दो पट्टी लगेंगी भैया, अरे इसके इससे मिला लो मैनुअल से भैया, मानना करवा दो पट्टी लगा दो ना, दो हमारे पास में है तो सही, एक योरी एक और हैगी, और क्या मिला था इससे मैनुअल से, लग गया जब तैयार हो जाएगा जब देखो। अब चल रहे हैं भाई सामान लेने बरात नगर कुताई वालों का, सामान तो ले लिया दोस्तों सारा, कट्टे वट्टे सब ले लिए, अब चल रहे हैं घर पे। ये देखो दोस्तों झोड़ देख रहे हो, नदी बिल्कुल सड़क पे आ रहा है, छोटा जी द्वार हमारे, ये लो भाई, ये तक पानी है, ये देख लो बिल्कुल छोटे द्वार से मिला हुआ है सारा कट्टे सारे भाई। तीन साल ये कह रहे लिए तेरे 50,000 नई तो आ रही है 45-46 की, यू हाँ यू स्टार सिटी है, यू वाली ना है, 125 सीसी में है यू, क्योंकि तो बच्चा थोड़ी है 50 सीसी का, तो बड़ी हो रही है हतनी, कैसा करोगे हम नज़र लगाओगे दोस्तों। अब नहा लो एक बार भाई, 12 बज गए हैं, यही सब काम में पूरा दिन हो गया, तो पहले नहा लो। अब नहा धो के बैठा हूँ, अब थोड़ी देर आराम कर लूँ, सुबह से ये टाइम आ गया भागते भागते, अब जाके थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, अभी अभी नहाया हूँ, करीब करीब 2 बज रहे हैं, तो अब 1-2 घंटा सो लूँ। तो दोस्तों नींद वींद तो आई नहीं भाई, बस ऐसा ही था, बस लेट ही गया पर नींद नहीं आई। तो अब चल रहे हैं 1-2 सामान लेने, अभी दोबारा चल रहे हैं मुरादनगर, 3 चक्कर लग चुके हैं आज मुरादनगर के, तो अभी चल रहे हैं सीट लेने, वॉशरूम की सीट लानी है, तो आज ही छुट्टी है तो भाई आज ही ले आए, फिर तो टाइम लगता नहीं। तो अब चल रहे हैं मैं और पापा दोनों, जल्दी से कपड़े पहन लूँ और फिर बाइक लेके सीधा निकलते हैं मुरादनगर। देखो दोस्तों अभी तो धूप निकल गई है, पूरी तेज निकल रही है, देखो अब बस बाइक निकाल लो, ये खड़ी बाहर ही खड़ी है, बाइक को चली जाएगी आराम से, रखवा दी यार भैया। क्यों नहीं कह रहा, तेजाब दे रहोगे फिर बाद में दिक्कत आ जाएगी, तो इसमें कलरफुल ना है, वाइट लाया है, अरे वाइट ही ठीक है। तो दोस्तों अब एक बार निहार और काट दूँ, बारिश आ रही है बाहर। तो दोस्तों पूरा दिन हो गया, सुबह से ये कर वो कर, मैं पूरा दिन निकल गया, मेरा छुट्टी का दिन भी ऐसे चला गया। तो अभी पुताई चल रही है ऊपर, ऊपर ऊपर का काम हुआ है, अब नीचे का भी करवाएंगे, सारा जितने भी है सारी रिपेयरिंग करवाएंगे, तो पहले ऊपर का हो जाए उसके बाद नीचे करवाएंगे, बाकी भाई सब लोग कहीं पेंट करते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया है। और भाई वीडियो इसलिए लेट हो रही है क्योंकि घर पे ना काम चल रहा है, आपको पता है भाई, तो उसके काम के चक्कर में थोड़ा बिजी हूँ, तो इसलिए लेट हो जाती है 2-3 दिन, इस बार तो काफ़ी लंबी हो गई है, 5-6 दिन हो गई है, तो बस यही दिक्कत है दोस्तों, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो, 1,00,000 होने वाले हैं मेरे बहुत जल्द। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे मेरे सारे भाई।